तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में गैस सिलेंडर फटने से हादसा हो गया। इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना में 6 लोग घायल हुए। पुलिस ने FIR दर्ज किया। मामले की जांच जारी। अखनूर में बस खाई में गिर गई। 71 लोग घायल हो गए हैं और कई अस्पताल में भर्ती हैं। नोएडा हिट एंड रन केस में दोनों आरोपियों के खिलाफ जुड़ी कई धाराएं। गैर इरादतन हत्या की धारा में बदलाव। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है दोनों आरोपी। देश भर में भीषण गर्मी का कहर। लू के कारण बिहार के कैमूर में 4 लोगों की मौत हो गई। कई लोग अस्पताल में भर्ती। बिहार के कैमूर में गर्मी से 4 लोगों की मौत। मामले में SI सतीश कुमार का बयान। कहा लू लगने के कारण हुई मौत। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। भर में लगभग 4 तो पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेजे हैं। जो लू लगने से मृत्यु होगा ऐसा प्रतीत हो जी। और DM ने कहा है कि लू हमारे लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है क्योंकि कई लोगों की मौत भी हो गई है। बिहार में गर्मी से मौत पर बोले हैं आरा की DM। गुरुग्राम के मानेसर में कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। आग पर काबू पाने की कोशिश है जारी। नोएडा सेक्टर 120 में भीषण आग का तांडव। आब्रपाली JDX सोसाइटी के बाजार में लगी आग। भयंकर आग की चपेट में आई दुकानें। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से धुधू कर जला ट्रांसफार्मर। बिजली पूरी तरह से बाधित हुई है व्यवस्था। जम्मू कश्मीर के मेंढर में जंगल में लगी आग के बीच कई बारूदी सुरंगें फट गई हैं। आतंकियों को घुसपैठ कराने में मदद करने के लिए जंगलों में आग लगा रहा है पाकिस्तान। कर्नाटक SIT बेंगलुरु में CID कार्यालय पहुंची। JD नेता प्रज्वल रेवन्ना का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। जर्मनी से भारत लौटा प्रज्वल रेवन्ना। फ्लाइट लैंड होते ही रेवन्ना को SIT ने किया गिरफ्तार। प्रज्वल पर यौन शोषण का आरोप है। सेक्स स्कैंडल में फंसे प्रज्वल रेवन्ना 35 दिन बाद जर्मनी से बेंगलुरु लौटा है। एयरपोर्ट पर SIT ने हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार किया। प्रज्वल को महिला पुलिसकर्मियों की एक टीम जीप से CID ऑफिस लेकर पहुंची। रात भर CID दफ्तर में ही रुका प्रज्वल रेवन्ना। प्रज्वल को 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने करना होगा पेश। पुलिस कर सकती है कस्टडी की मांग। ऑडियो सैंपल भी ले सकती है फोरेंसिक टीम। प्रज्वल के खिलाफ अब तक यौन उत्पीड़न के 2 मामले दर्ज हैं। रेवन्ना ने हाल ही में वीडियो जारी कर SIT के सामने पेश होने का वायदा किया था। कर्नाटक में यौन शोषण के कई वीडियो वायरल होने के बाद देश छोड़कर फरार हो गया था रेवन्ना। SIT की रिक्वेस्ट पर इंटरपोल ने रेवन्ना के खिलाफ जारी किया था ब्लू कॉर्नर नोटिस। रेवन्ना के घर में काम करने वाली मेड ने 28 अप्रैल को दर्ज कराई थी शिकायत। HD रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल पर लगाया था यौन शोषण का आरोप। पहली बार FIR दर्ज होने से कुछ घंटे पहले देश छोड़कर भागा था रेवन्ना। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल कर देश से हुआ था फरार। प्रज्वल रेवन्ना के मामले को लेकर कांग्रेस का BJP पर हमला। कहा रेवन्ना का भारत से बाहर जाने का कार्यक्रम BJP ने करवाया था आयोजित। पीएम मोदी के ध्यान को लेकर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना। कहा साधना ध्यान दिखावे और प्रचार की चीज नहीं है। PM के ध्यान को बताया PR स्टंट। पीएम मोदी के मेडिटेशन को लेकर बोले कांग्रेस नेता भूपेश बघेल। कहा जिसे भगवान ने भेजा है वो क्यों कर रहे हैं भगवान को याद। चंदौली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा संविधान में कई बार संशोधन करने का काम कांग्रेस ने किया। POK को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा POK हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। लाहौर घोषणा पत्र पर नवाज शरीफ के बयान पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया। कहा पाकिस्तान में निष्पक्ष नजरिया उभर रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने BJP पर लगाया बड़ा आरोप। कहा CM केजरीवाल को मारने की रची जा रही है साजिश। आज विभव कुमार को 30,000 कोर्ट में किया जाएगा पेश। 3 दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद पेशी। विभव पर स्वाति को पीटने का आरोप। पंजाब के मोहाली में पुणे जैसा हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार BMW ने बाइक सवारों को कुचल डाला। हादसे में 1 की मौत, 2 घायल बताई जा रही है। राजकोट अग्निकांड मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी, एक्शन जारी है। क्राइम ब्रांच ने कई अधिकारियों को यहां गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है।
यूपी के वाराणसी में मतदाताओं से अनोखी अपील, दशाश्वमेध घाट पर 1100 दीपों से लिखा 100% मतदान करें। आखिरी चरण में वाराणसी समेत 57 सीटों पर मतदान होना है। कुशीनगर में सपा प्रत्याशी के होटल में बड़ा प्रशासन का छापा, सपा नेताओं के अनुसार छापे में नहीं मिली कोई सामग्री, खाली हाथ लौटी पुलिस।